टीएसएन न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स हलके के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यकीन जाहिर किया है कि बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी का इत्तेहाद जुबली हिल्स हलके में कांग्रेस के जीत को नहीं रोक सकता। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी रियासत में फल फूल रही है और तमाम पार्टियों का इस सुनामी में बह जाना यकीनी है। वाजिर है नाजरीन, बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार गोपीनाथ की जानिब से अवाम में काफी नाराजगी देखी जा रही है। गोपीनाथ की गुंडागर्दी से पार्टी के कई कार्यकर्ता और हलके की अवाम भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है। इसी जिमन में वेंगला राव नगर डिवीजन मजीदगुड़ा जवाहर नगर के तकरीबन 500 से ज्यादा बीआरएस पार्टी कायदीन ने जुबली हिल्स के एमएलए उम्मीदवार अजहरुद्दीन, उपेंद्र, सीएन रेड्डी, नवाज और दीगर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता बीआरएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए अपने नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद खास मनाजर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए टीएसएन न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जैसे नाव भाई ने कहा कि उनको तीन तीन घंटे चार चार घंटे जहाँ बिठा देंगे तो खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो आज के बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे पहला जो काम करूंगा यहाँ पे जो गुंडा एकदम चल रहा है, जो लोग लड़ाई झगड़े मारम पीटी कर रहे वो मैं यहाँ रहता कोई भी कुछ नहीं करेगा। और अब थोड़े दिन से बाद पहले ये भी सुनने आ रहा है कि यहाँ पे ड्रग्स का भी कोई काम हो रहा है उनके, बिल्कुल मैं थोड़ी देर से मेरे इन्फॉर्मेशन मिली वो भी काम बने नहीं दूंगा, क्योंकि जो यंग बच्चों के लिए हमको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, उनको काम कराना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे और भी देखाऊंगा, यहाँ पे कोई खेलने की इतनी ज्यादा बड़ी जगह भी नहीं, शायद एक ग्राउंड होगा वो भी बहुत मुश्किल से हम इतना, क्योंकि ठीक है हमें जगह की तंगी है यहाँ पे ज्यादा उतना नहीं है, बट लेकिन एक अच्छा बड़ा ग्राउंड ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी ग्राउंड नहीं हो, कहीं पे जगह नहीं हो, लेकिन बनाने का इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके दिल में आपको काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। और बहुत ये मनाने ये भी है कि अभी अन्ना सर ने बोला था कि उनको कब्रिस्तान की जमीन यहाँ पे नहीं मिली और बिल्कुल तकलीफ हो रही, तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से एश्योरेंस देके जाता हूँ कि जब इंशाल्लाह एमएलए आपने पहले से ही मुझे मुबारकबाद दी है। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आखिर बात तक मैं जब तक रिजल्ट नहीं आया जब तक मैं जीत हारने सोचता हूँ, भले कि आपका बहुत बहुत फल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे कहा और आपने कहा, और इंशाल्लाह मैं जरूर एश्योरेंस देता हूँ कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान की जो आप जगह है उसको पहले हम पहली फुर्सत में हम उसको उठाएंगे, उसका काम करेंगे। और ये जितने आपने रोड का काम बोला, ये ड्रेनेज का काम है, ये हम यहाँ पे जरूर करेंगे। जी, मैं इस शेर से अपनी बात का आगाज करूंगी। शेर ये है कि हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें पत्थर से भी मारा और जहर से भी। मैं शेर से आई हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ तो आप जानते हैं कि क्या हालात है। योगी बाबा बैठे हैं, उन्होंने क्या जुल्म और ज्यादती मचा रखी है, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। एक वैसी यहाँ बैठे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इस बात को आप जानिए पहचानिए। मैं खास तौर से अपनी कौम से कहूंगी कि अंधभक्त ना होइए, जैसे वहाँ अंधभक्त बैठ गए हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं या मुसलमान मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, तो उवैसी और योगी में कोई फर्क नहीं है, इस बात को पहचानिए। हम यही गुजारिश आपसे करेंगे। और अजहरुद्दीन साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी शख्सियत है, उनका नाम है, बच्चा बच्चा जानता है उनको। तो आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो देश का नाम रोशन करता चला आ रहा है। तो अजहरुद्दीन साहब को आप लोग चुनिए, जिताइए, कांग्रेस को जिताइए। देखिए हमें कांग्रेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने हमको वो सब दिया है जो किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस वाली ऐसी पार्टी है जिसने इतना लहू तक बहाया इस देश के लिए। हम ये कहते हैं जैसे कर्नाटका में हम सब एक होके कांग्रेस को हम लोगों ने जिताया भारी मतों से, ऐसे यहाँ जिताइए, अजहरुद्दीन साहब को जिताइए, इंशाल्लाह यहाँ हमारी हुकूमत हो। हम लोग चाहते हैं भाईचारा हो, मोहब्बत हो, और वैसे भी ये वो भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और बाकी लोग जहर का काम कर रहे हैं। हाँ, जहर घोल दिया है हम लोगों के बीच में। तो बस मैं आप लोगों से यही